बालाघाट जिले में 6 अप्रैल को पुलिस टीम को बड़ी सफलता मिली है। हम आपको बता दें कि लॉकडाउन में मुख्यमंत्री के आदेशानुसार सभी शराब दुकानों को सील किया गया था, लेकिन मुजालखंड शराब दुकान के ठेकेदार देवेंद्र उर्फ गोलू ठाकरे के द्वारा लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए आबकारी कर्मचारी ओम नारायण वामने के साथ वाहन में लेकर शहर की ओर आ रही स्कॉर्पियो में अवैध 57 लीटर विदेशी शराब के साथ 5 आरोपी को पुलिस थाना बरेवली TI राजेंद्र नरवरिया के द्वारा गिरफ्तार किया गया। इसमें आरोपी देवेंद्र नगरपुर कोमल कुमार सिंह लिल्हारे, आबकारी कर्मचारी ओम नारायण प्रसाद, देवेंद्र उर्फ गोलू और राजेश लोधी को गिरफ्तार कर आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बालाघाट को भी सूचना प्राप्त हुई थी। एक स्कॉर्पियो में 4 लोग जो कुछ अवैध रूप से शराब लेकर आ रहे, तो सूचना पर से हमने टिकाड़ी नाके पर चेकिंग लगाई थी, वहाँ पर उनको रोका। उसमें 4 लोग थे, एक देवेंद्र है, एक आबकारी आरक्षक ओम नारायण, उनका ड्राइवर है देवेंद्र और एक और कोमल है सहायक। इनसे 6 बोतल मैकडॉल्स की इंग्लिश की दारू इनसे जब्त हुई थी। उसके बाद इनसे पूछताछ में पता चला कि ये बलाचखंड में जो वाइन शॉप है उस वाइन शॉप से ये दारू शराब वहाँ से अल निकाली थी। इसके अलावा इनने और भी शराब निकाली है, क्योंकि राजेश लोधी है बलाचखंड का ये ठेकेदार है, इनके घर पर रखी थी। तो उस पर से इनके माध्यम से हम राजेश लोधी के पास पहुँचे, वहाँ इनकी तलाशी ली गई। तलाशी में करीबन 70 बोतल, 6 से 7 पेटियाँ, 70 बोतल अलग अलग ब्रांड की इंग्लिश की शराब मिली है, जिसमें जितनी भी शराब है लगभग सभी प्रीमियम लेवल की है। उनको सभी को जब्त किया गया है और मामले में 34-2 का प्रकरण कायम करके इनकी गिरफ्तारी की गई। सर कितनी कीमत है सर, अनुमानित कीमत? करीबन 2,01,000 कुछ।